नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में विजयदशमी उत्सव मनाया गया, जहां सशस्त्र पूजन कार्यक्रम भी किया गया। इस विजयदशमी उत्सव कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने प्रतिभाग किया। वहीं बॉलीवुड के मशहूर सिंगर शंकर महादेवन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हर वर्ष दुनिया में भारतीयों का गौरव, उनकी शान बढ़ रही है। हमारा देश हर क्षेत्र में तेजी से तरक्की कर रहा है। वहीं दिल्ली में आयोजित हुए G20 सम्मेलन का जिक्र करते हुए कहा कि इस सम्मेलन में विदेशी मेहमानों का जिस तरह सत्कार किया गया, उसकी पूरी दुनिया में सराहना हुई है। ये बात सही है और हम सब उसका अनुभव कर रहे हैं कि प्रति वर्ष भारतीयों का गौरव दुनिया में बढ़ रहा है। दानवता पर मानवता की पूर्ण विजय का ये जो विजय पर्व अपना विजयादशमी है, इस वर्ष की विजयादशमी में भी हम ये अनुभव कर रहे हैं। ऐसा अनुभव देने वाले कई प्रसंग हमने अभी अभी अनुभूति में हमारे लाए हैं। जैसे G20 की परिषद यहाँ पर हुई, वो तो प्रतिवर्ष होती है, लेकिन यहाँ पर हुई उसके एक विशेषता रही। उस परिषद में हमारे भारतीयों के आतिथ्य की बड़ी प्रशंसा हुई, उसका पहली बार उन्होंने अनुभव किया। हमारे विविधता से की सजी संस्कृति का गौरव उन्होंने अनुभव किया। केवल भूतकाल की बात नहीं, हमारी वर्तमान की जो उमंग भरी उड़ान है उसको भी उन्होंने प्रत्यक्ष देखा, दुनिया भर के देशों के लोगों ने। और हमारे मन की जो सद्भावना है, प्रामाणिक सद्भावना है, अफ्रीकन यूनियन को सदस्य बनाने में पहले ही दिन परिषद का घोषणा पत्र एकमत से कराने में, और हमारी राजनीतिक कुशलता भी उन्होंने देखी, हमारी प्रामाणिक सद्भावना भी उन्होंने देखी। विशेषकर आर्थिक विषयों पर केंद्रित जो परिषद होती थी उसमें पहली बार वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई, महिलाओं के उन्नति की, महिलाओं के नेतृत्व की बात कही गई, और वो मानव केंद्रित बात हो गई। उसमें करुणा के ग्लोबलाइजेशन की बात भी यहाँ जो C20 हुआ था वहां रखी गई थी। ऐसा एक प्रसंग हमको एक झलक देके गया कि हमारा स्थान आज दुनिया में क्या बना है। हमारे नेतृत्व के कारण भारत का एक विशिष्ट स्थान दुनिया के अग्रणी देशों में बन गया, इसको हमने अनुभव किया। और केवल उसी इसमें नहीं, हमारे खिलाड़ी भी इस बार आशियाई खेल हुए, 100 से अधिक, इस भाषण को लिखते तक 107 पदक, 28 स्वर्ण, रौप्य पदक 38 और 41 कांस्य हमारे खिलाड़ियों ने जीते। हमारा देश सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, ये हम देख रहे हैं। आर्थिक स्थिति भी हमारी, हम 5वें नंबर पर 10वें से ऊपर उठकर आ गए। इकोनॉमी, डिजिटल टेक्नोलॉजी का हमने उपयोग किया गरीबों के कल्याण में, सारी योजनाएं नीचे तक पहुंची, उसके लाभ, ये सारी बातें हमने की। स्टार्टअप्स की क्रांति जैसे हो गई सभी क्षेत्रों में, केवल टेक्नोलॉजी में नहीं, कृषि हो, स्पेस हो, डिफेंस हो, सर्वत्र ये प्रगति भी हमने देखी है। और इसलिए हमको बड़ा आनंद लगता है कि हम आगे बढ़ रहे, और केवल भौतिक बातों में नहीं, राष्ट्र का पुरुषार्थ उस राष्ट्र की अपनी धरोहर के आधार पर अपने वैश्विक प्रयोजन के सिद्ध करने वाले आदर्शों के आधार पर होती है। उनको हम देखते, उनका अनुकरण करते, तब आगे बढ़ते। हमारे संविधान के पृष्ठ पर जिनका चित्र है, वो हमारे राष्ट्रीय आदर्श भगवान राम, उनके बाल स्वरूप का रामलला का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। अपने मंदिर में रामलला प्रवेश करने वाले हैं 22 जनवरी को, ये प्रसंग हम देखने वाले हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा आत्मीयता का, सर्वसमावेशकता का, समरसता का, प्रेम का, स्नेह का वातावरण, धार्मिकता का वातावरण सर्व देश में बने। परंतु ये सारे प्रसंग, भारत का एक अमृत काल देखने का सौभाग्य हम सबको मिला है, और इसलिए शताब्दियों की संकट परंपरा को पार हमने किया है और हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा ध्यान में आता है। हमने सदाचार अहिंसा की शिक्षा देने वाले भगवान महावीर जी का 2550वां वर्ष हम संपन्न कर रहे हैं। हिंदू विश्व राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका 350वां वर्ष हम संपन्न कर रहे हैं।
महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त होने के लिए, योग्य बनने के लिए हमको फिर से अपने मूल की ओर खींचा और उसकी स्पष्ट और यथार्थ कल्पना दी, रूढ़ी कृतियों को बाजू रखकर वास्तविक अर्थ क्या है वो बताया, उनका 200वां वर्ष हम संपन्न कर रहे। ऐसे ही रानी दुर्गावती, भारतीय महिलाओं की शक्ति, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, प्रशासकीय कुशलता, प्रजाहित दक्षता, इसका परिचय देने वाली, उनका 500वां वर्ष, और साथ साथ भक्ति का परिचय देने वाली संत मीराबाई, इनका 550वां वर्ष, ये अभी हम संपन्न करने वाले हैं, आगे उनका वर्ष है। समाज की एकता, सजगता और सभी दिशा में निस्वार्थ उद्यम, जनहितकारी शासन और जनोन्मुख प्रशासन, स्व के अधिष्ठान पर खड़े होकर परस्पर सहयोग पूर्व प्रयास प्रत रहते, तब राष्ट्र बल वैभव संपन्न बनता है। राष्ट्र सर्वथा।